Today I have selected topic animal behavior from subject zoology, chapter number 3, class enter. My topic is animal behavior. मेरा जो टॉपिक है वो है एनिमल बिहेवियर. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एनिमल बिहेवियर क्या होता है? एनिमल बिहेवियर जो है वो है रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल. एनिमल जब किसी चीज को रेस्पॉन्स देगा, एनवायरमेंट में जो तब्दीलियां होती हैं उसको अगर रेस्पॉन्स देगा तो उसको हम कहते हैं एनिमल बिहेवियर. The response of animal in relation to its internal or external environment. External environment को या internal environment को जब animal response करेगा, उसको respond करेगा, तो उसको हम animal behavior कहते हैं. Animal behavior जो है वो उसकी study को, scientific study of animal behavior को ethology कहा जाता है. Ethology means study of behavior. भाई किसी जानदार का, किसी एनिमल का बिहेवियर किस तरह होता है वो आज हम पढ़ेंगे. बिहेवियर जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे. एक तो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है और इफेक्टर सिस्टम पे भी डिपेंड करता है. और ये जो बिहेवियर होता है जेनेटिकली भी होता है. जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर जो है वो किसने दिया? वो स्टीवन अर्नोल्ड साइंसदान था. उसने बताया कि भाई बिहेवियर जो होता है वो जेनेटिकली बेसिस होता है. बिहेवियर जो है जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. तो वो किसने बताया? स्टीवन अर्नोल्ड ने बताया. उसके बाद क्या होता है कि ये जो जीन्स होते हैं, जिंदा चीजों में जो जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स क्या होते हैं? डीएनए की सीक्वेंस को या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जीन्स कहते हैं. एनवायरनमेंट क्या होता है? उस पे भी असर अंदाज करता है, उस पे भी असर एनवायरनमेंट का होता है. तो जीन्स आर इनफैक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट का बड़ा जो है रोल होता है बिहेवियर में. एनिमल्स के बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक भी होता है. सपोज करें कि अगर कोई एनिमल जो है वो जो है कोल्ड एरिया में रहता है तो उसका अपना बिहेवियर होता है. और जो एनिमल हॉट एरियाज में पाया जाता है तो उसका अपना बिहेवियर होता है. तो एनिमल बिहेवियर के स्टडी को हमने इथोलॉजी कहा. तो एनिमल बिहेवियर के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है इनेट बिहेवियर. इनेट बिहेवियर को हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर भी कहते हैं. इंस्टिंक्ट बिहेवियर है ये. इसको जो है हम जेनेटिकली, ये जो है इनबोर्न बिहेवियर होता है. ये जो है वो जीन्स पे डिपेंड करता है. एनिमल की जो जेनेटिक्स है उस पे डिपेंड करता है. ये जो है उसके टाइप्स होते हैं. ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है. और ये जो है प्री प्रोग्राम्ड होता है. इसमें कोई चीज सिखाई नहीं जाती. इसमें जो है वो एनिमल में खुद ऐसी नेचर होती है. वो जो है उस एनवायरमेंट को फेस करता है, उस एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है. तो उसे हम जो है इनेट बिहेवियर कहते हैं. इनेट बिहेवियर के जो है टाइप्स होते हैं. एक होता है काइनेसिस. काइनेसिस में क्या होता है कि ये जो एनिमल का रिस्पांस होता है वो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है. जितनी भी जो स्टिमुलस जितना भी शदीद होगा इतना ही जो है वो रिस्पॉन्ड एनिमल उसको करेगा. सपोज करें जिस तरह वुड लाइस होते हैं तो वो जो है हॉट एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं. तो उनके पास वो जो है ह्यूमिड, जिस तरह कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा वो जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं.
तो ये जो है ये भी ओरिएंटेशनल बिहेवियर है काइनेसिस। तो इसमें जो है स्टिमुलस का इंटेंसिटी जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद ये टैक्सिस होता है। टैक्सिस में क्या होता है कि एनिमल जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, स्टिमुलस का जो डायरेक्शन होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। टैक्सिस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टैक्सिस, दूसरा होता है नेगेटिव टैक्सिस। अगर जो है सपोज करें लाइट है, लाइट की तरफ कुछ जो एनिमल्स हैं उसकी तरफ जो है वो चलना शुरू करते हैं तो वो जो है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फोटो टैक्सिस कहा जाता है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लाइट है, जैसे ही वो शुरू होती है तो लाइट से वो भागते हैं या वो जो है छुप जाते हैं, तो ये जो है टैक्सिस कहलाता है। टैक्सिस जो होता है वो डायरेक्शनल रिस्पॉन्ड है और स्टिमुलस जो होगा उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है टैक्सिस। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स होते हैं, इसमें जो एनिमल होता है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है और इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जिस तरह ब्लिंकिंग ऑफ आईज होता है ये भी एक किस्म का बिहेवियर होता है, और नी जर्क है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उसके बाद इनेट बिहेवियर का जो फोर्थ टाइप है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में क्या होता है कि कोई जानवर, कोई जो एनिमल होता है वो किसी एनिमल को कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करता है, वो जो रिस्पांस देगा बाय आइडेंटिफाइंग द साइन स्टिमुलस। तो वो जो एनिमल है दूसरे एनिमल, अगर कोई एनिमल किसी एनिमल के एरिया में दूसरा एनिमल आ जाता है तो वो जो एनिमल है क्या करता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये जो एनिमल है ये तो फॉरेनर है, ये तो हमारा नेटिव एनिमल नहीं है, तो उस पर जो है वो अटैक करना शुरू करता है। ये काफ़ी जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में कोई एक खास जो एक रिलीजर उसको कहा जाता है या साइन स्टिमुलस होती है वो एनिमल्स में पाई जाती है, उसको ये आइडेंटिफाई करके फिर एनिमल्स जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है बिहेवियर का वो है लर्नड बिहेवियर। लर्न बिहेवियर जो होता है वो इनेट नहीं होता, ये प्री प्रोग्राम्ड नहीं होता, ये जो जानदार होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ये सीखते हैं। ये जो है इसमें एनिमल्स में लर्निंग का प्रोसेस होता है, एनिमल्स जो है वो लर्न करते हैं। तो इसका इसके भी टाइप्स हैं, एक होता है हैबिचुएशन, दूसरा है इम्प्रिंटिंग, तीसरा है क्लासिक कंडीशनिंग, चौथा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, पांचवा है लेटेंट लर्निंग और छठा है जो सिक्स है वो इनसाइट लर्निंग है। तो हैबिटुएशन जो लर्निंग, ये लर्न बिहेवियर है, इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिपीटेड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सपोज करें कोई जानदार कोई एनिमल जो है रोड की साइड पे होता है तो गाड़ी की आवाज़ें वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, या सपोज करें आदमी जो हाईवे के साथ ही उनका जो रहायश होता है तो वो जो है सुन आवाज़ गाड़ी का आवाज़ सुन सुन के वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, उस पर तवज्जो ही नहीं देते, तो उसको हम कहते हैं हैबिटुएशन। तो अगर और इम्प्रिंटिंग जो होता है वो एक ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जानदार को या जानवर को या एनिमल्स को जो है एक एनिमल्स का एक जो है सेंसिटिव पीरियड होता है, उसमें एनिमल को जो है वो सिखाया जाता है, एनिमल को जो है लर्न वो जो है वो एनिमल्स जो है वो लर्न करते हैं उस सेंसिटिव पीरियड में। अगर वो सेंसिटिव पीरियड जो है ख़त्म हो जाएगा तो वो लर्न नहीं कर सकेंगे। तो इम्प्रिंटिंग जो है वो एनिमल्स क्या करते हैं रेस्पॉन्ड ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड। और क्लासिक कंडीशनिंग जो होती है इसके लिए एक साइंसदान ने तजुर्बा किया,
आईवेल पेवलोव ने इसमें इस पे तजुर्बा किया क्लासिक कंडीशनिंग में। क्लासिक कंडीशनिंग में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो रिलेवेंट जो स्टिमुलस होता है उसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते, इररिलेवेंट स्टिमुलस जो होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। एक कोई इस आईवेन पेवलोव ने क्या किया था, एक डॉग था उसको जब भी ये जो खाना देता था तो घंटी बजाता था, तो जो डॉग था वो उसके माउथ से सलेवा निकलता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि पहले जो है उसने घंटी बजाई तो उसका माउथ जो है सेलिवेट हो गया और उसने फूड भी उसको प्रोवाइड नहीं किया। इसका मतलब है कि जो उसका रिलेवेंट स्टिमुलस था वो फूड था और वो जो घंटी का बजना था वो उसका रिलेवेंट स्टिमुलस नहीं था। तब भी डॉग ने क्या किया तो इररिलेवेंट स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्ड किया। तो इस पर तजुर्बा जो किया, एक्सपेरिमेंट जो किया आईवेन पेवलोव ने किया। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को और इसमें बार बार वो जो है या तो उनको पनिशमेंट मिलती है या उनमें उनको जो है रिवार्ड मिलता है उनको, ये जो है फिर वो या तो सीख जाते हैं या जो है उनको तकलीफ होती है। तो ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ट्रायल और एरर बेसिस पे डिपेंड करता है। ये इसको ट्रायल और एरर लर्निंग भी कहा जाता है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस टू गेन रिवार्ड और पनिशमेंट। इस पे एक साइंटिस्ट ने तजुर्बा किया था, उसका नाम था बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या किया था कि एक परिंदा था उसको जब एक बॉक्स ली थी, एक बॉक्स में उसने जो है वो गंदम का या जो है किस चीज का उसने दाना रखा था। तो जैसे ही वो परिंदा था तो दाना उसने देखा तो वो उसको जो है अपनी बीक लगा लगा के फिर सीख गया कि दाना इस तरह निकलता है उस बॉक्स से। तो ये जो है ट्रायल और एरर बेसिस होता है। और लेटेंट लर्निंग जो होता है इसमें रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस तो होता है मगर इसमें जो है लर्न एवार्ड और पनिशमेंट नहीं होती। ये खास तौर पे रेट में पाया जाता है। और इनसाइड लर्निंग जो होता है इट इज अ सिक्स काइंड ऑफ लर्निंग बिहेवियर और लर्न बिहेवियर इन दिस एनिमल्स दे आर एबल to solve their problems without trial and error। इसमें एनिमल्स क्या करते हैं, ट्रायल और एरर तो एरर नहीं करते और जो प्रॉब्लम उनका होता है या जो स्टिमुलस होता है उसको ये सॉल्व करते हैं।